हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आईपी क्लास फॉर क्लास प्लस टू। हम डाटा फ्रेम डिस्कस कर रहे हैं। हमने डाटा फ्रेम में डाटा फ्रेम के फीचर्स देख लिए, उसके बाद कितनी टाइप्स का डाटा फ्रेम होता है ये सारा देख लिया हमने। लिस्ट के थ्रू कैसे डाटा फ्रेम, डिक्शनरी के थ्रू कैसे डाटा फ्रेम हम इंसर्ट करते हैं, ये सारा हमने देख लिया। आज हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स ऑन रो ऐड करने के लिए सेलेक्ट, डिलीट, रीनेम। सबसे पहले सेलेक्ट करने के लिए हम पढ़ते हैं। हमने डाटा फ्रेम लिया डिक्शनरी के थ्रू, वन डिक्शनरी एंड टू, हमने टू डाटा टाइप इसमें ले ली, टू कॉलम्स लिए हैं। फर्स्ट का जो है ये वाला रो है एंड सेकंड ये वाला है, दो हमने कॉलम लिए हैं, बट हम इसमें क्या करवा रहे हैं, ओनली वन प्रिंट करवा रहे हैं। df pd डॉट डाटा फ्रेम df ओनली वन को प्रिंट करवा रहा है, वन वाला प्रिंट करवा रहा है। तो हमने ओनली वन को सिलेक्ट किया है। ऐसी सिलेक्शन के थ्रू हम ओनली डाटा फ्रेम में से अपने जितना भी डाटा है उसमें से ओनली वन रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है कॉलम एडिशन। अगर आप कॉलम ऐड करना चाहते हो, देखो पहले फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम ही है, दो कॉलम है, अब और एक कॉलम हमने ऐड करना है इसी डाटा फ्रेम में, ये वाले डाटा फ्रेम में। तो यहाँ पे एडिंग अ न्यू कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम, ऑब्जेक्ट विद कॉलम लेबल बाय पासिंग न्यू सीरीज, न्यू सीरीज पास करेंगे विद द कॉलम लेबल, कॉलम का लेबल भी देंगे हम। ये वाला एक कमेंट प्रिंट करवाया। उसके बाद देखो डी एफ, फिर थ्री, वन एंड टू पहले से है, थ्री इक्वल टू पी डी। ये वाला सिंटैक्स याद रखना कि हम कैसे कॉलम ऐड कर सकते हैं, सीरीज 10, 20, 30 ये देखे इंडेक्स वैल्यू भी गिवन है साथ में, जो ये वाली होती है। अगर हम इंडेक्स देते हैं, ये कल हमने पढ़ा था कहाँ पे जाता है, ये रो का इंडेक्स बनता है, जो अगर कॉलम, अगर यहाँ पे हमने कॉलम लिखा होता तो ऊपर वाला कॉलम का बनता है। तो ये वाला हमारा प्रिंट हो गया, ये थर्ड वाला हमारा जो हमने अभी ऐड किया है ये प्रिंट हो गया। एडिंग ए न्यू कॉलम यूजिंग एग्जिस्टिंग कॉलम इन डाटा फ्रेम, जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उनमें से डी फ्रेम फोर इक्वल टू डी फ्रेम वन प्लस डी फ्रेम थ्री। इसमें से क्या किया है, एक डाटा फ्रेम हमने फोर बनाया है, डाटा फ्रेम वन प्लस डाटा फ्रेम थ्री का, ये डाटा फ्रेम वन प्लस डाटा फ्रेम थ्री का ये हमने ऐड करके बना दिया। जैसे ये वन है, ये थ्री है, वन प्लस 10 11, टू प्लस 20 22, थ्री प्लस 30 33 एंड यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी तो नन वैल्यू आ गई। अब कॉलम डिलीट करना है हमने, इसके लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं। ये हमारे पास ये कॉलम तीन दिए हुए हैं, डी वेरिएबल के अंडर तीन कॉलम दिए हुए हैं, वन टू एंड थ्री। अब इसमें से हमने अवर डाटा फ्रेम इस ये वाला है, उसमें से एक कॉलम डिलीट करना है वन वाला, डी एफ लिखा सिंपली सिंगल क्वोट्स में वन प्रिंट। उसके बाद अगर मैं पॉप के थ्रू करवाना चाहता हूँ तो पॉप टू दूसरे वाला। तो इसमें देखो फर्स्ट वाले में क्या हुआ, मेरा ये वाला वन थ्री एंड टू हो गया, इसमें हमारा पहले वाला तो सारी प्रिंट हो रहा है। उसके बाद डिलीट ऑफ फर्स्ट कॉलम, इसमें से कौन सा डिलीट हो गया हमारा, वन वाला, पहले वाले में हमने वन डिलीट करवाया है, एंड पॉप में से ये वाला नेक्स्ट वाला डिलीट हो गया, ये वाला, इसमें से हमारे पास आया है थ्री, थ्री आ गया, टू डिलीट हो गया। तो ऐसे हम डिलीट कर सकते हैं ये वाला। पहले आपको ये डाटाबेस पूरा समझ में होना चाहिए कि कैसे बनाते हैं, वन फिर पी डी सीरीज, ये सीरीज है, इंडेक्स वैल्यू साथ में देते हैं, फिर टू उसका दिया हमने, फिर सीरीज इंडेक्स वैल्यू दे दी ए बी सी डी, ये क्या है कॉलम आ रहे हैं। उसके बाद रो सेलेक्ट एडिशन एंड डिलीशन।
अब रो को सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है, एडिशन करना है, कैसे करना है। अब देखो टू रोज़ हैं, इसमें से सेलेक्ट करेंगे एक रो को, लोकेशन बाय बी। इसमें से कितनी रोज़ बनेंगी, ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 4, इसमें से ओनली बी सेलेक्ट करना है। बी वाला, इसका बी कौन सा है, टू, इसका भी बी क्या है, टू। तो ये इसका 2 2 रिजल्ट आ गया बी वाला। उसके बाद न्यू रिजल्ट ये सीरीज विद लेबल एज कॉमन नेम, ये नेम आ गया जो दिया था हमने। सिलेक्शन बाय इंटीजर लोकेशन, इंटीजर की लोकेशन देखे। अब हमने क्या दिया था, ये वाला इंडेक्स वैल्यू दी थी, इंडेक्स वैल्यू से हमने निकाला था। हमारी ये वैल्यू ऐसे टाइप होती है ना, 1 2 3, फिर होती 1 2 3 4, यहाँ पे लिखा होता एन ए एन, ये आप फ्लोटिंग वैल्यू में आते हैं जिनके नीचे एन ए एन होता है। अब देखो इसका क्या होता है, ए, इसका बी, इसका सी, इसका ये होता डी, ये वाला इसने बीच वाला प्रिंट करवा दिया, 1 एंड 2 का, ये 1 का है ये 2 का है, दोनों का प्रिंट करवा दिया। तो इसमें क्या है, इसमें हम देंगे लोकेशन, लोकेशन आई लोकेशन, इंटीजर लोकेशन ये वाली के थ्रू। अब देखो टू लोकेशन दी है, इसकी लोकेशन क्या है, 0, इसकी लोकेशन 1, इसकी लोकेशन क्या है, 2, इसकी लोकेशन क्या है, 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी क्या है, 3। तो हमने लोकेशन कितनी दी है, 2, 2 वाले की ये एंड ये इंटीजर आई, इसमें साथ में लिखेंगे इंटीजर लोकेशन, तो ये दोनों का 3 3 प्रिंट यहाँ पे करवा देगा। उसके बाद है स्लाइस, रो रो को स्लाइस करना है, बीच में से हमने कुछ पार्ट निकालना है। तो हमने 2 2 4 दे दिया, फिर हम देखते हैं इसका क्या है लोकेशन, 0, इसकी 1, इसकी क्या है, 2, इसकी क्या है, 0, इस वाले कॉलम की इसकी है 1, इसकी 2, इसकी लोकेशन है 3। अब इसमें से हम क्या करेंगे, लोकेशन 2 2 4, अब इसमें से 2 2 4 आ रहा है, और 2 तो है ठीक है, ना 3 है ना 4 है, इसमें से हमारे पास कितना आ गया, 3 ओनली आ गया 1 वाले में से, और 4th वाला तो है ही नहीं, इसमें 9 आ गया। अब इसमें से हमारे पास क्या आ रहा है, 2 से 4 वाला है, 2 एंड 3 ये दोनों आ रहे हैं, 3 एंड 4, 2 वाले में 3 एंड 4 आ गए। तो ऐसे ये हो जाते हैं स्लाइस। एडिशन ऑफ रोज, रो कैसे ऐड करनी है, तो इसमें हमने अपेंड फंक्शन के थ्रू, अपेंड हमें पता है 11th में किया था, DF2 में अपेंड फंक्शन के थ्रू हम ये ऐड करवाएंगे। ये वाली हमारा फर्स्ट, ये हमारा है, उसका है हमारा कॉलम के नेम है। सेकंड वाला DF2, DF ये वाल दोनों वाली ऐड करके ये वाला रिजल्ट आ गया 1 2, फिर आ गया 3 4, 5 6 आ गया, ये वाला 7 8 आ गया। ये हमने कॉलम के लेबल तो दिए थे, कॉलम लिख के अगर इंडेक्स वैल्यू देते तो इस साइड आता, बट ये इसने वाई डिफॉल्ट यहाँ से उठा लिया। DF में अगर फर्स्ट को सेकंड में ऐड करना है, तो हमने क्या फंक्शन लगाया है, DF.append DF2, DF में अपेंड DF2 कर दिया। यहाँ पे चाहे कोई और वेरिएबल ले लेते, ए ए को प्रिंट करवा लेते, क्योंकि यहाँ पे सेम हो गए थे इसलिए कन्फ्यूजन होती, तो ये अलग भी लेके हम करवा सकते हैं अपेंड फंक्शन के थ्रू। आगे हम डिलीटिंग कैसे करते हैं रो आगे वाले, ये नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे। अगर इसमें कोई क्वेरी है तो ऑनलाइन क्लास में हम इसको देख लेंगे दोबारा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।